राजधानी दिल्ली के लगभग सभी अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की भारी किल्लत हो गई है। ऐसे में उत्तरी दिल्ली के संत परमानंद अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी हो गई और कई मरीजों की जान पर बनाई, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन ने दिल्ली पुलिस से मदद मांगी और फिर एक बार अपना कर्तव्य निभाते हुए दिल्ली पुलिस ने कई मरीजों की जान बचाई। जी हां, दिल्ली पुलिस को जैसे ही संत परमानंद अस्पताल की तरफ से कॉल मिली कि यहां पर ऑक्सीजन की कमी हो गई है और कई मरीजों की जान खतरे में है, वैसे ही दिल्ली पुलिस ने तीव्रता दिखाते हुए बवाना ऑक्सीजन फिलिंग सेंटर से ग्रीन कॉरिडोर के जरिए अस्पताल को 71 ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया कराए और एक बार फिर कई मरीजों की जान बचाई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे दिल्ली पुलिस के संरक्षण में अस्पताल को ग्रीन कॉरिडोर के जरिए ऑक्सीजन मुहैया कराई गई है। बता दें, अस्पताल में पहले 40 ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाए गए थे और फिर दोबारा कमी पड़ने पर दिल्ली पुलिस ने दोबारा 30 ऑक्सीजन सिलेंडर और मुहैया कराए। बहरहाल यही नहीं, राजधानी की सेवा में तत्पर दिल्ली पुलिस लगातार ऑक्सीजन उपलब्ध करवा रही है। ऐसे में दिल्ली पुलिस का ये सराहनीय कदम लोगों की जान बचा रहा है। नवोदय टाइम्स के लिए करुणा ठाकुर के साथ मोहम्मद इरफान की रिपोर्ट, दिल्ली।